15 साल की उम्र में ज़लटान के आत्मविश्वास की परीक्षा हुई। तबीयत खराब रहने के कारण वो क्लब के कमजोर खिलाड़ियों में आने लगे। एक समय था जब वे फुटबॉल छोड़ना चाहते थे, लेकिन कोच के समझाने पर उन्होंने अपनी टेक्निक पर काम किया और 3 साल के अंदर वो क्लब के बेहतरीन प्लेयर बन गए। इन 3 साल में ज़लटान ने अपने अनुभव से सीखा कि अगर आप लगातार चलते रहते हो, सीखते रहते हो, तो आप भीड़ से अलग हो जाते हो, क्योंकि अधिकतर हम सभी लोग बार बार असफलता नहीं देख पाते और रुक जाते हैं। जो खुद को बेहतर करता है वो चलता रहता है, न केवल सफल होता है बल्कि सफलता का अचूक मंत्र अपने साथ जी लेता है, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। कैसे दोस्तों? सबसे पहली बात, हमको केवल लगे नहीं रहना बल्कि साथ में अपनी हर प्रैक्टिस को बेहतर बनाने का इंटेंशन रखना है। इससे आपकी फीलिंग बदलेगी, जिससे आपकी सोच और एक्शन बदलेंगे। बदले एक्शन और सोच से रिजल्ट आकर ही रहेंगे। दोस्तों सोचो, अगर हम ज़लटान जैसे कॉन्फिडेंस के साथ जी सकें कि जीतना मेरा स्वभाव है, मैं जो सोचता हूँ उससे भी बेहतर करता हूँ, तो आप अपने अंदर कैसा महसूस करोगे? आपकी प्रैक्टिस और आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल की होगी? इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन अपनी छोटी छोटी जीत का इंटेंशन बनाओ, उन्हें नोटिस करो और बार बार अपने मन में दोहराओ, मैं जो सोचता हूँ मैं उससे भी बेहतर करता हूँ। लगातार चलते रहने का और ज़लटान के सुप्रीम कॉन्फिडेंस का यही सीक्रेट है।